हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे महतारी वंदना योजना। आप सभी को पता होगा, हर महीने जो है बीजेपी सरकार जो है लगभग मार्च अप्रैल मई लगभग 3 महीने जो है 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो है डाल चुकी है। ठीक है, इसके बाद चौथी किस्त जो है आपके आने वाली, ये जो आप कब आपके खातों में जो है डलना है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है जी, इसके जो है 3 बार जो है सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये जिन लोग पात्र हैं, ठीक है, जिन लोग पात्र हैं उनके खाते में जो है ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है जी, लगभग सभी महिलाओं को यहाँ पे दी जाती है। जिन लोग पेंशन पाते हैं उन लोग को भी जो है पेंशन के साथ अलग से मिला के 500 रुपये दिया जाता है। और जिन महिलाओं को नहीं मिलती है, उन लोग जितने भी आपके जो है जहाँ पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनसे जाके मिलिए, अपनी जो है प्रॉब्लम बताइए, फिर उसका सॉल्यूशन उन लोग बताएंगे। ठीक है, इस पर भी अभी काम चल रही है, तो बढ़िया उनसे जाके आप मिल लीजिए। एक भी आपके जैसे खाता में एक बार भी पैसे आप नहीं आए तो आपके खाता को जाके चेक कराइए कि क्या समस्या है, अपने जो है बैंक अकाउंट में मतलब जो है कोई भी समस्या तो नहीं है। तो अपने जो है नज़दीकी जो ब्रांच है शाखा वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक, तो महतारी वंदना योजना को हम चौथी किस्त पर बात करेंगे। आखिरी जो चौथी किस्त है आपका कब डलेगा, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए महतारी वंदना जो योजना के तहत चौथी किस्त का जो इंतज़ार कर रहे महतारियों के लिए जो है एक आपका जो है बहुत ही खबर के जो है काम का है। ठीक, क्योंकि आपको जो है लगातार 3 किस्त यहाँ पर डली है, ये चौथा किस्त को सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर जो है ये चौथी किस्त कब डलेगा। ठीक है जी, इसको हम देखेंगे। तो ये चौथी किस्त है, इसके जो है 3 किस्त यहाँ पर जो है यहाँ पर डाल दी गई है। ठीक है, लगभग 70 लाख जो है महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये मतलब ईयरली 12,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो हर महीने आपको जो है खाते में 1,000 रुपये डाले जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है कयास लगाया जा रहा है कि जो है आचार संहिता हटते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो है चुनाव अभी चल रही है और अभी जो लास्ट फेज का चुनाव होने वाली है, तो लास्ट फेज के बाद आपका 4 जून को रिजल्ट आएगी। इसके बाद जो है आचार संहिता जो है हट जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपके जो महतारी वंदना और आगे हम देखेंगे, ऐसा करके जो कयास लगाया जा रहा है कि आचार संहिता हटते ही सरकार जो है महिलाओं के खाते में जो है जून के पहले सप्ताह, आप सभी को पता है जब 1,000 जो महिलाओं के खाते में डालती है तो आपका लगभग 1 तारीख से लेकर ये जो है 6 मतलब जो है वीकली जो है मतलब 1 से 6 के बीच जो है डेट को फर्स्ट वीक में जो है ये महिलाओं के खाते में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कुछ ना कुछ कारण यहाँ पे जो है, या तो कुछ कारण बहुत सारे जो है इशूज़ वगैरह रहती हैं। ठीक है, जिसलिए इस 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे जो है पैसा जो है महिलाओं के खाते में यहाँ पे डाल दी जाती है। ठीक है, तो आचार संहिता हटते सरकार महिलाओं के खाते में जून के पहले सप्ताह में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो आपको जो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये जो पैसे है आपके जो है आपके जून या आज 1 तारीख है। ठीक है जी, आज मई के महीने चला गए, आज हो गए 1 जून, तो 1 जून से लेकर 6 जून के मध्य 4 मान के चलिए 4 का तो रिजल्ट आना है, तो 5-6 को आपके जो पैसे यहाँ पे दे सकती, पहले भी डाल सकती है इसका 5 को जो है 5 या 6 को आपको जो है खाते में पैसा जो है डाल सकते हैं, तो पहले सप्ताह में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई। ठीक है, अभी कोई भी जो है जारी इसके लिए जो सूचना की इस दिन आएगा ऐसा करके जारी निकाली नहीं, माना जा रहा है कि लगभग आचार संहिता रिजल्ट आएगा तो उसी दिन अगले दिन पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, बीजेपी सरकार आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे कि प्रदेश के जो बीजेपी सरकार तीसरी किस्त पिछले महीने मई के पहले दिन ही जारी कर दिए थे। जो थर्ड किस्त जिन महिलाओं के खाते में नहीं होगा तो बताया मैंने जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनसे जाके मिलिएगा। ठीक है जी, तो बीजेपी सरकार ने तीसरी किस्त जो मई में डला वो आपका थर्ड किस्त था। ठीक है, मार्च अप्रैल मई में आपका थर्ड किस्त डला है। ठीक, मई के पहले दिन मतलब 1 तारीख को जो है जारी कर दी गई थी, जिसके बाद अब चौथी किस्त जून के पहले सप्ताह में जारी कर सकते। ठीक है, तो चौथी इस बार जो है जून में जो डली गई वो चौथे किस्त है। ठीक है, अभी फिक्स डेट वगैरह यहाँ पर नहीं बताई गई है। ठीक, और इससे लेकर जो नोटिफिकेशन अगर आती है गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चौथी किस्त जून के जो है पहले सप्ताह में जारी कर सकता है। आपको बता दें कि ये जो है 1 मई को लगभग 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये यहाँ पे जो है डाले गए हैं। ठीक है जी, तो 1 मई को लगभग 70 लाख से जो है अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये जो है डाले गए थे। फिर आपको जो है रिसेंटली जिन महिला जो पात्र हैं उनके खाते में, ठीक है, इस बार भी जो है 1,000 रुपये जो है जितना मतलब खाते में जो मतलब
जो पात्र जो सूची में है महिला, उनके खाते में 1000 रुपये फिर से उनके खाते में यहाँ पे जो है डाला जाएगा। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मतलब जो किसी भी महिला को जो है दिक्कत वगैरह होती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से यहाँ पे जो है जाके मिलिए, उनका जो है आपके प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। और भी कुछ दिक्कत है बैंक में जाइए, वहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम या तो खाता बंद वगैरह या KYC वगैरह नहीं होगा तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं, आप जाएंगे आपको जो है पता चलेगा। ठीक है जी, कई ऐसा भी हुआ है कई महिलाओं के साथ, जिन लोग तो खाता बंद है उन लोग सोच रहे हैं कि खाते में पैसा आ रहा है, तो ऐसा मत करिए, जाके जो है अपने ब्रांच में जो है नज़दीकी ब्रांच में जाके वहाँ पे चेक कीजिए क्या समस्या है, प्रॉपर पैसा आ रही है कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो KYC वगैरह नहीं हुए तो जाके KYC आप करा सकते हैं। ठीक है, आपके पैसे आपको जो है सभी जो किस्तें हैं आपके जो बराबर आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है जी, तो अपने जो नज़दीकी शाखा में जाके सब कुछ है पता कर लिए, KYC बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, DBT के माध्यम से जो है सरकार आपके पैसे में जो है डायरेक्ट पैसा जो है ट्रांसफ़र करती है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।